ARCEUS. तो ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका रोमांसेज में। मुझे काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार, इज आरसीएस देयर इन पोकेमॉन गो? क्या आपके पास आरसीएस सच में है, या वो वीडियो फेक है, या क्या है? तो आज उन सभी सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को कर दो एक छोटा सा लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पोकेमॉन गो के अंदर आपका खुद का यस, आप अपना खुद का एक लेजेंडरी पोकेमॉन या फिर एक मिथिकल पोकेमॉन जो अभी तक पोकेमॉन गो में अभी तक आया नहीं है। तो मैं आज आप लोग को वही चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अभी एंड तक ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो आप लोग को बताने वाला हूँ। और एक बात, जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसका नाम रिवील कर दूँ, तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख देना। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पे 4000 लाइक्स आ गए, यस दोस्तों 4000 अगर मेरी वीडियोस पे लाइक्स आ गए, इस वीडियो पे 4000 अगर लाइक्स आ जाएंगे और 2000 कमेंट्स फॉर एग्जांपल आ गए, तो मैं आपको डेफिनेटली पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से आप एक लेजेंडरी या फिर एक मिथिकल पोकेमॉन अपने पोकेमॉन गो में ला सकते हैं। बिकॉज दोस्तों, ये चीज़ अभी तक पोकेमॉन गो में अभी तक नहीं आई है, और अभी तक ऐसे कोई भी यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ आई नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत रिसोर्सेज से अपने बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग की हेल्प लेके मैंने ये चीज़ को किया हूँ। फ़ोन को रूट करना पड़ता है, जेल ब्रेक करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है तो इसमें करना पड़ता है, वो सारे प्रोसेस मैंने बहुत ही मुश्किल से करके मैंने RCS को अपने पोकेमॉन गो में लेके आया हूँ। तो दोस्तों यार, इतना तो मुझे चाहिए कि वीडियो पे कर दो 4000 लाइक्स। 4000 अगर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली मैं ये रिवील नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को बस बता दूंगा कि कैसे मेरे पास RCS है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि 4000 लाइक्स आए, तो वो अब आपके ऊपर है कि आप वीडियो को इतना शेयर कर दो कि वीडियो पे 4000 लाइक्स आए और मैं रिवील कर दूं कि प्रोसेस कैसा है और कौन सा मैं पोकेमॉन गो का यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज बाकी लोग सोचते होंगे कि शायद ये कोई PG शार्प है या नहीं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आप अपने सीधा इंट्रो की तरफ। तो दोस्तों, इंट्रो के बाद अब मैं आप लोग को ये पोकेमॉन गो का आपको आइकॉन दिख रहा होगा। वैसे ये पोकेमॉन गो है नहीं, बट डेफिनेटली ये पोकेमॉन गो का आइकॉन अपने को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पे चालू हो जाता है अपना नॉर्मल वाला वर्जन। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग के सामने है ये वाली स्क्रीन, ठीक है। इसको लोड हो जाने दो, मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में ये चीज़ बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात, अभी यहाँ पे ये पूरा पोकेमॉन गो आप लोग को लग रहा है मैं कर देता हूँ ओके, बट ये पोकेमॉन गो है नहीं। आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर के टॉप लेफ्ट पे आप लोग को आइकॉन दिख रहा है, जब आप लोग ये आइकॉन पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो अभी जैसे कि मैंने ये आइकॉन पे क्लिक किया, तो दोस्तों अभी अपने को यहाँ पे एक सेटिंग को देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे ये सेटिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है ऐड माय पोकेमॉन पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो अब जैसे कि मैं ऐड माय पोकेमॉन पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन देगा कि ओके, यहाँ पे ऐड योर पोकेमॉन, और फिर नीचे PNG का फॉर्मेट है, PNG का जो फॉर्मेट है वो आप लोग को ओपे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने अभी यहाँ से क्लिक किया, अभी यहाँ पे अपने को दोस्तों यहाँ पे अपने को फाइल्स में लेके जाएगा। यहाँ पे अभी ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये पूरा स्क्रीन आप लोग को जो दिख रहा है, ये आपको आपकी गैलरी में लेके जाएगा। ओके, अभी गैलरी में देखो, अभी यहाँ पे मैंने नेट से RCS का PNG इमेज मैंने डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ से PNG इमेज है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। अभी दोस्तों यहाँ पे अभी लोडिंग होगा, थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि अभी ये पूरा अपने पोकेमॉन गो में लोडिंग हो रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आप लोग के सामने टाइप करता हूँ, पोकेमॉन गो में जाता हूँ ओके, ये पोकेबॉल पे मैंने क्लिक किया, अब मैं पोकेमॉन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ARCEUS।
US। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पोकेमोन में हम लोग को RCS शो कर रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ और वो ये है कि ये RCS मेरे पोकेमोन के अंदर है। ये RCS आपको कहीं बाहर आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, मतलब ये अगर मैं ये ट्रांसफ़र करूँगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उसको कुछ शो ही नहीं होगा, वहाँ पे उसको एरर बताएगा। तो दोस्तों ऐसे सब टाइम पे क्या करना पड़ता है, आप लोग को भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिससे जैसे ही मैं यहाँ पे RCS मैंने सामने वाले को अगर शो सेंड कर दिया, सामने वाले के पास भी यही सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली उसके पास भी RCS आ सकता है। तो दोस्तों लोग अभी आप लोग चाहते हो कि यार नहीं ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैंने किस तरीके से सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया, किस तरीके से मैं ये सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में चला रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख दो और 4000 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली मैं सॉफ्टवेयर रिवील कर दूंगा। टिल देन दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करो चूतिए लोग दुनिया में जीते, पोकेमोन सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर बनना है हमें। सब्सक्राइब करो चूतिए लोग दुनिया में जीते पोकेमोन।